लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को उत्तराखंड में एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। देहरादून स्थित बीजेपी मुख्यालय में पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। पूर्व कैबिनेट मंत्री माधवर सिंह कंडारी के बेटे राजीव कंडारी भी भाजपा में शामिल हो गए। घनसाली से बीजेपी विधायक शक्तिलाल शाह ने भी कई कांग्रेसियों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी नेताओं का स्वागत कर उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसको मजबूत करने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। देश आगे बढ़ रहा है। हमने मोदी जी का हाथ को मजबूती देनी है और उसका गामी की ये सरकार को भी मजबूती देनी है। पूर्व में भी मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर चुका हूँ और आज जो दोबारा कई लोगों ने हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी को ना ज्वाइन करी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, जो उनकी सोच है, उसको देखते हुए हम सब ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। नहीं, मैं पहले भी भारतीय जनता पार्टी से था। मैं हिंदू जागरण मंच से था। बीच का समय कुछ ऐसा था कि मैं सोशल वर्क में जुड़ गया, कुछ अलग से काम करने पड़े हैं, तो इस टाइम में प्रभावित इनके भारतीय जनता पार्टी के कामों से प्रभावित हो गया, मोदी जी के कामों से प्रभावित होकर जो है वापस भारतीय जनता पार्टी में वापस। तो हमारी हमने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, हमने कोई पार्टी छोड़ी नहीं है। आज हमें विधिवत रूप से सदस्यता ली है। पहले से हम भारतीय जनता पार्टी से, हमारे विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है। पत्रों में, विभिन्न चैनलों में अनेकों नाम निकल कर आ रहे थे और वो जितने नाम आपके द्वारा लिए गए, हम उन सब नामों को प्रयास करेंगे कि सब भारतीय जनता पार्टी में, कि सारे चैनल और आप सब पत्रकार जगत के लोग भी जानते हैं, ऐसे लोग कांग्रेस में नहीं होने चाहिए, अच्छे लोग यही होने चाहिए। तो कल आज सुबह में एक चैनल बहुत से नाम देख रहा था, सुन रहा था, तो हमारा आपको जो सुझाव है, हम बहुत जल्दी उनसे संपर्क करेंगे, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ेंगे। बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, जनप्रतिनिधि जुड़ रहे हैं और ये कारवां मोदी जी के लिए और प्रचंड बहुमत की ओर रहेगा। हम पांचों लोकसभा को पिछली बार से ज्यादा मतों से जीतेंगे, ऐसा मैं विश्वास।